रहमान रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं साजिद रिज़वी आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम गेट फिट में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। मुझे पता है कि आप सब इंतज़ार कर रहे हैं कि आज जो है ऐप्स के बारे में जो हम लोग एक्सरसाइज बता रहे थे कि आज हम लोग क्या नया लेकर आएँ, तो चलिए तहसीन रत्ना का वेलकम करते हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कि ऐप्स के बारे में हम लोग क्या एक्सरसाइज और कर सकते हैं। तहसीन सलामुन अलैकुम। तहसीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में हमें बताया भी था एक्सरसाइज के बारे में, तो आई एम श्योर जो हमारे नाज़रीन हैं वो बेचैन है कि आज ऐप्स के बारे में आप क्या बताने वाले हैं। आज हम वो एक्सरसाइजेस देखेंगे जो जनरली हर जिम में हर इंसान करता है, जिसे ऐप क्रंच कहते हैं। लेकिन इसमें जैसे हमने हर एक्सरसाइज में देखा कि कुछ कुछ बारीक सी डिटेल्स है जिसपे हम ध्यान देंगे, और इसमें इस एक्सरसाइज को किस तरीके से और एनहेंस किया जा सकता है, इसका परफॉर्मेंस किस तरीके से और बढ़ाया जा सकता है, और मार्केट में जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं ये कहकर के ये प्रोडक्ट खरीद लो तो आपकी बॉडी ट्रिम डाउन हो जाएगी, इस पे रिलाई ना करें। ये बेस क्रीम वगैरह भी आती है बॉडी में, अगर आप इसको अप्लाई करें बेटर है, नेचुरल फॉर्म से कनेक्टेड रहे तो उससे आपको सेफ एंड सिक्योर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन सी एक्सरसाइजेस है जो जनरली हर इंसान करता है, लेकिन उसकी फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें हमने ऐसे केसेस देखे हमारी हिस्ट्री में कि लोग जिन्होंने इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा गलत किया है उन्हें नेक स्पॉन्डिलाइटिस, लो बैक इश्यूज, ये बहुत ज्यादा हुआ है, मतलब बहुत कॉमन देखने को मिलता है। अगर रॉन्ग कर लिया है तो इनिशियली पता नहीं चलेगा, लेकिन नेक्स्ट डे और उसके दो तीन दिन बाद वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो आइए आप लेट जाइए, हम दिखाते हैं किस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप पहले ये करके दिखाएं कि जनरली आप कैसे वर्कआउट करोगे। अगर आपको ऐप क्रंच करने को कहा जाए तो आप कैसे ऐप क्रंच करोगे, ये करके दिखाओ। नॉर्मली हम लोग ऐसे करते हैं जिम में जब जाते हैं तो, जाओ पूरा नीचे जाओ, दो रैप और दो, एक और, ये बिल्कुल गलत तरीका है, प्लीज इसको इस तरीके से ना करिए, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप देखोगे ना तो जिस पोजीशन में आप ऊपर आ रहे हो हाथ रखकर, तो नेक पे इतना प्रेशर डेवलप हो रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा है कि आप अपनी नेक को इंजर कर सकते हो। इसको अवॉइड करें, हाथों को सर के पीछे रख के कभी ना उठे इस पोजीशन में। ये जो फॉर्म अभी हमने जो फॉर्म में आपने किया, पर हम लोग जब भी फ्रेंड लोग के साथ जब जिम में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसी तरीके से क्रंच एप्स करते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका। आप सिर्फ गौर करिए कि आपने अपने नेक के पीछे हाथों को रख लिया, ठीक है, पहले 10-15 रैप आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि आपका एब स्ट्रांग है, वो मसल जब तक स्ट्रांग है तब तक आपको वर्कआउट परफॉर्मेंस दे देगा, लेकिन जहां वो मसल फटीग हो गया, जहां वो मसल थक गया या उसकी पावर खत्म हो गई, तब क्या होगा, तब पूरा पावर आप कोशिश करोगे कि आपको एक सर्टन नंबर तक पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, अपने हाथ का प्रेशर लेके, अपने हाथ की परफॉर्मेंस से, अपने हाथ की ताकत से आप उठने की कोशिश करोगे। तो जहां आपने ये उठने की कोशिश की और अगर ये मसल थक चुका है तो अब ये पूरा पावर और पूरी ताकत आपकी गर्दन पे चली जाए। अच्छा, ये होता है, हमने देखा है जब जिम में हम लोग दोस्तों के साथ जाते हैं तो ये हमेशा कहते हैं कि रिपीटेशन कौन कितना करता है, राइट, वो और एक एम बना लेते हैं कि 30 करना है, 40 करना है या 20 करना है। लोग 100-100 भी करते हैं, हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं तो हजार भी करते, बोले हम 1000 क्रंचेस करते हैं, 500 क्रंचेस करते हैं, ठीक है, वो सब एक सेकेंडरी है, लेकिन फॉर्म कितना सही है। अगर आपका फॉर्म सही नहीं है तो वो 5 रैप में भी आपको असर नहीं देगा और 100 रैप में भी असर नहीं देगा, लेकिन अगर फॉर्म करेक्ट है तो वही चीज 10 रैप में भी इफेक्ट कर जाएगी। फॉर्म इनकरेक्ट होने पे इंजरीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। दूसरी चीज, आपने अगर ध्यान दिया हो तो आप जब ये एक्सरसाइज कर रहे थे तो धीरे धीरे आपके पैरों के और आपके हिप के बीच में काफी डिस्टेंस था, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं इसका करेक्ट फॉर्म क्या है। ओके, ठीक है, तो आप पहले अपनी हिप के करीब थोड़ा सा पैर और करीब ले लीजिए, राइट, ठीक है, आप अब इस पोजिशन में लेटिए कि आपके पैर आपके हिप से करीब हो, चाहे आप सोफा में फंसाइए, चाहे बेड में फंसाइए, कहीं पे भी आप लॉक करिए, बच्चों को खड़े रहने कीजिए, इस पोजिशन में लॉक कीजिए। दूसरी चीज, अब आप जब उठोगे तो आपको ध्यान देना है कि आप पर्ल नेकलेस की तरह उठोगे। अगर आपको याद हो तो हमने जो हिप रेजिंग वाला सीक्वेंस किया था, सेम सीक्वेंस हम नेक से शुरू करेंगे। ओके, और दूसरी चीज, जो आपकी नेक पोजीशन है या आपकी आई लाइन है, या तो वो आप अपनी नेवल पे देखोगे या अपने नीज पे देखोगे। ओके, और कहीं नहीं देखोगे, वरना अननेसेसरी नेक पे स्ट्रेस डेवलप होगा। ओके, और ड्यूरिंग द वर्कआउट भी अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि नेक पे स्ट्रेस आ रहा है तो आप वर्कआउट बंद कर दोगे। ओके, वहां पे फौरन स्टॉप कर दोगे। आप नेक का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो एब्डोमिनल क्रंचेस की,
आपको एब्डोमिनल पे फील होना चाहिए, नेक पे नहीं फील होना चाहिए. इसको ध्यान दे, इस चीज को रिपीट ना करें. ठीक है, इसका सही तरीका क्या है वो हम देखते हैं. ठीक है, आप कोशिश करिए कि अपने हाथों को इस तरफ ले लीजिए, नीज के पास. अब आप स्लोली ऊपर उठोगे, बस इस पोजिशन तक, इससे ऊपर ना आए. ध्यान रहे कि आप अपने हाथों को थोड़ा लंबा कर ले. ठीक है, जहां आपकी ये रिस्ट नी पोजिशन तक पहुंच जाए, इसके बाद अपने आपको स्लोली नीचे छोड़ दे. ये 10 मरतबा करके दिखाइए. स्टार्ट, बस इससे ऊपर नहीं, स्लो. एक सेकंड का पॉज लीजिए, नीचे चले जाइए. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इस पोजिशन पे 10th रेप को रोक के रखिए. 5, 4, 3, 2. नेक का ध्यान रहे, अगर नेक पे प्रेशर आ रहा है तो आप इमीडिएटली स्टॉप कर दो. बहुत अच्छे, काफी सही रहा ये फॉर्म. अगर इससे एक चीज ये पता चली कि हमको अपने सपोर्ट, ये जो है हाथ का, ये फ्री है, इसे हम डायरेक्ट ऊपर की तरफ प्रेशर लगा Perfect. सकते हैं. आप अपने मसल को यूज करके उठिए, ओके, नेक को नहीं, स्पाइन को नहीं. ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखिए. तो इसमें थोड़ा सी पेन हो रहा था, वो पेन नहीं, वो मसल एक्टिव हो रहा है, मसल यूज हो रहा है, तो आपको वो फील हो रहा है. अच्छा, अब तक आपने 100 रेप भी अगर किए और अगर वो फील नहीं हो रहा है तो कोई फायदे का ही नहीं है ना. अच्छा, तो ये अंदर से थोड़ा सी जो है वाइब्रेंट भी होता है. आपको वो फील होना है कि आप इस मसल पे, इस पे अगर आपको हल्का सा पेन महसूस हो रहा है, मतलब आप उस मसल का वर्कआउट कर रहे हो. ओके, ठीक है. अब इसका एक दूसरा फॉर्म है जो हम घर में, जो लोग बैठते हैं घर में कर सकते हैं, उसका एक दूसरा फॉर्म भी देखेंगे कि वो किस तरीके से कर सकते हैं. तो जैसे पैर है, इसी पैर को अगर आप एक चेयर पे रख लो. ओके, ठीक है, तो मैं आपके लिए बेंच लेके आता हूँ, देखिए आप. आप अपना पैर इसके ऊपर रख लीजिए, एक सेकेंड. ठीक है, अब कोशिश करिए कि आप थोड़ा और नीचे आइए. याद है हमने जो बैक का एक्सरसाइजेस की थी, उसमें हमने एक चीज का ध्यान रखा था कि हम अपनी हिप को करीब में करीब चेयर के करीब रखेंगे. तो और थोड़ा नीचे आइए. ठीक है, हील्स थोड़ी सी आगे, बस ये पोजीशन में जब आप पहुंच जाओ, वही सेम एक्सरसाइज आपको रिपीट करनी है. एक 5 रेप करके देखें. हाथ नीज के पास, ऊपर आते वक्त आपको सांस छोड़ना है, नीचे जाते वक्त सांस लेना है. नेक को जर्क नहीं करोगे, नेक वही रहेगी, या तो नेवल पे या नी पे. 5, 4, 3, 2, 1. Stay करें इस पोजिशन में. 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. कैसा महसूस हुआ आपको? बेटर है, बेटर है, थोड़ा लाइट है, इजी है, इजी एज कम्पेयर टू द अदर वन. जो प्रेशर उसमें आ रहा था वो इसमें नहीं, वो इसमें नहीं आएगा, राइट. और ये इजी फेज है, एक सेकंड फेज जो इजी फेज है, जो लोग घर पे करने के लिए उस लेवल तक नहीं जा सकते और उस लेवल तक नहीं जाना चाहते, उनके लिए इजी फेज है. लेकिन स्टिल अभी भी वो मसल एक्टिव हो रहा है, अभी भी आप उस मसल को यूज कर रहे हो, बट ये ज्यादा टाइम शायद ले ज्यादा. एक और इसमें, एक और चीज हम इसमें ऐड कर देंगे, जो एक अगर एडवांस लेवल पे अगर उसको लेके जाना चाहता है तो लेके जा सकता है. आप लास्ट पोजीशन पे अपने आप को स्टेबलाइज करिए. ठीक है, अब इस पोजीशन पे हाथ को साइड पे लेके जाइए, नहीं साइड पे, साइड पे, नीज के साइड पे नीचे थोड़ा. इस पोजीशन पे आपको कोशिश करना है कि अपना लुक नीज पे रखे और स्पीड में अपने हाथ को इस तरह हिलाए, फुल स्पीड में. थोड़ा सा और ऊपर रोल करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर, बॉडी को और ऊपर रोल करिए. अगर नेक पे आ रहा है तो आप स्टॉप करोगे, फुल स्पीड में. पैर थोड़ा सा और पीछे, अगर नेक पे आ रहा है तो आप स्टॉप कर दोगे, या 50, 100 जितने रेप्स आप कर सकते हो इजीली आप इसको परफॉर्म करें. रिलैक्स. किधर महसूस हुआ आपको ये प्रेशर? महसूस हुआ? हाँ. ठीक है, ये एकदम इजी वर्कआउट है ना, इसमें आपकी बैक पे प्रेशर आएगा, तो जो लोग घर में करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इजी है और ये कंफर्टेबली कर सकते हैं. ओके, तो ये एक सही दो तरीका है, तीन तरीका जो आपने बताया है, उस तरीके से हमें ये आपको इंजरी नहीं होगी. ओके, उसमें चांसेस ये आप कस के उठ गए, जोर से आपने छोड़ दिया, चांसेस है उसमें आपकी स्पाइन पे जर्क आने के बहुत ज्यादा चांसेस. ओके,
तो ये एक बेस्ट फॉर्म है जो ऐप क्रंचेस करना चाहते हैं, बेशक इसको करें लेकिन सही तरीके से करें। ओके ठीक। अच्छा तहसीन सर, जब हम अभी एक्सरसाइज कर रहे थे, क्रंच एक्सरसाइज कर रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें हमको सीखने को मिली जो आपने बताया कि क्या सही फॉर्म है। उम्मीद करता हूँ जो हमारे नाज़रीन जो ऐप्स के ऊपर वर्कआउट करना चाहते हैं तो उन्होंने भी देखा होगा बड़े गौर से कि क्या सही है क्या गलत फॉर्म है, किस तरीके से हमें करना चाहिए किस तरीके नहीं। लेकिन जैसा कि हमने बात की थी कि हम लोग जब फ्रेंड्स लोग जाते हैं जिम में, कभी भी अगर करना होता है क्रंच, तो बहुत से लोग कहते हैं कि जूस ले लो, काफ़ी ज़्यादा हैवी होना चाहिए क्योंकि आज क्रंच करने जा रहे हैं, ऐप्स करने जा रहे हैं। तो खाने पीने के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं आप? इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, कोई भी एक्सरसाइज से पहले हैवी फूड ना ले, जैसा कि आप पहले बताए थे। हाँ, हैवी फूड ना ले, लाइट फूड रखे। बेस्ट अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जहाँ स्ट्रेनियस वर्कआउट है तो फ्लूइड रखे, जैसे आप नारियल पानी रख सकते हो। ओके। और ऐसी चीजें रखे जो आपको हाइड्रेट करेगी, यानी कोई जूस है, सिंपल या जूसेस अवॉइड करें, जूसेस प्लेनली अवॉइड करें, जूसेस आर नॉट द राइट थिंग टू बी डन, जूसेस अवॉइड करें। बेस्ट है नारियल पानी, अगर आप नारियल पानी ले सकते हो, प्लस अपनी पानी की बोतल कैरी करें, जब भी प्यास लगे तो पानी पीते रहे। ये एक मिथ है कि एक्सरसाइज करते वक्त पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, पीना चाहिए, इतनी क्वांटिटी में पीना चाहिए कि आप एकदम पेट भर के ना पी लें। ओके। सिर्फ सिप बाई सिप आप यूज करें कि आपको जो प्यास लग रही है, जो गला सूख रहा है, आप उसको तर कर लें। लेकिन ये नहीं कि आप पूरा एक लीटर पानी एक साथ पी ले बोले अब जाके एक्सरसाइज करेंगे, तो ये नहीं होगा, उसे उल्टी होने के भी चांसेस रहते हैं, प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। अगर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रहेगा तो गारंटी है कि उल्टी हो जाएगी। लेकिन इसको अवॉइड करें कि हैवी फूड लेके एक्सरसाइज ना करें, लाइट फूड रखें। बेस्ट इज कोकोनट वाटर क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं। तो ये ध्यान रखें कि अगर आप नारियल पानी लेके जाओगे तो आपका पोटेशियम लेवल जो है वो बैलेंस हो जाएगा और आपको क्रैम्प नहीं आएगा, जो अक्सर देखा गया कि लोगों को क्रैम्प आता है एक्सरसाइज करते वक्त, तो वो कम हो जाएगा। तो ये हमारे नाजरीन को ये ध्यान में रखना होगा सर कि ज़्यादा हैवी नहीं खा के जाए, कोई ऐसे जूसेस ना लें। नॉर्मल जो है अगर देखा जाता है, जैसा कि मैं जानता हूँ कुछ लोगों को भी, कि ऑफिस से आते हैं क्योंकि मॉर्निंग में जा नहीं सकते हैं, घर आते हैं थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं, हैवी खाते हैं कि जिम जा रहा हूँ, तो उसके बाद जो है करने के बाद वहाँ पे कभी प्रॉब्लम भी उनको हो जाती है, तो फिर आके फिर घर खाना खाते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा फॉर्म में लाना पड़ेगा। एक चीज़ खास ध्यान रखे, जैसे आपने कहा है कि लोग सुबह, जो लोग सुबह जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो एम्प्टी स्टमक ना जाए। ये देखा गया है कि लोग कहते हैं कि हम एम्प्टी स्टमक भी तो जा सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, अच्छा है, बेटर है, सब बोलते हैं एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होगी, ये ना करें। क्योंकि आपने जो रात को मसाले वाला खाना खाया है या आपने रात का जो डिनर किया है वो आपके पेट में एक एसिडिक फॉर्म ले चुका है। ओके। ठीक है, तो चांसेस ये है कि अगर आपने वर्कआउट शुरू किया एम्प्टी स्टमक तो आपको हायर अमाउंट ऑफ एसिडिटी क्रिएट हो जाएगी और वॉमिट होने के चांसेस है। तो बेस्ट चीज है अगर मॉर्निंग में अगर कोई जा रहा है वर्कआउट के लिए तो एक बनाना है या एप्पल है या कोई एक लाइट फ्रूट खा ले जाने से पहले, तो आपको एनर्जी भी मिल जाएगी और आपके स्टमक की जो एसिडिटी चैलेंजेस है वो थोड़ा सबसाइड हो जाएगी। इट्स बेटर टू हैव समथिंग एंड गो फॉर वर्कआउट, तो थोड़ा सी खा पी के जाएंगे तो आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी। तहसीन सर, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने आज काफ़ी कुछ, जो इंतज़ार कर रहे थे हमारे नाजरीन के ऐप्स के बारे में क्या सही फॉर्म आप लेके आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ उनको जो उनका रिजल्ट है वो यहाँ देखने को मिल गया होगा कि कैसे करेंगे वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपने सही तरीके का जो फॉर्म है एक्सरसाइज सीख लिया होगा। लेकिन आपको एक काम करना है कि अपने सजेशन, आपको कैसा लगा एक्सरसाइज करने के बाद, आप हमें लिख भेज सकते हैं gfwin786@gmail.com। मुझे दीजिए इजाज़त, तो बने रहिए चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।